सजनों सबनते पहले तो राम राम है साहब, राम राम जी। ये भजन जगनी का तृतीय दिवस है, तीसरा दिन है और भैया कमेटी बारे हो तम के उन निवेदन है, तम कछु छांट करते रहो। हमने तो तैयारी पतो ना चल रही, पर भैया जी वास्तव में मैं तो यही कहूंगी आप किस गांव की सरदारी, आपकी कमेटी बड़ी सुशोभित बड़ी शोभनीय है, इसीलिए आपका भी यह दायित्व बनता है कि प्यार से हम कलाकारों को सुने। आप अगर थोड़ा हमारा साथ देंगे तो हम भी चार चांद लगाने की कोशिश करेंगे। सजनों हर कलाकार बड़ा ही दिग्गज कलाकार है, मैं तो उनकी पैरों की रज हुआ करती है बाबा साहब, उसके बराबर भी नहीं हूं। मैं ऐसी कोई खास कलाकार नहीं, बस बाबा साहब थोड़ा सा चिल्ला वो सीख लियो। लेकिन निवेदन ये रहेगा कि जो भी मेरे मुख से टूटे फूटे शब्द निकले उन्हें आप प्रेम पूर्वक सुने, क्योंकि भैया गौरव वो लिख दिया है कलेजा चीर कर देखो, कलेजा चीर कर देखो, हजारों गम निकलते हैं और कहीं पर ज्यादा निकलते हैं तो कहीं पर कम निकलते हैं, कहीं पर बजती है सेना ही, कहीं पर बजती है सेना ही, कहीं पर मातम निकलते हैं और कहीं पर जन्म होता है तो कहीं पर दम निकलते हैं। बाबा साहब भैया लाला छोटू हो मोबाइल बारे बैठ जाओ, बैठ जाओ, कैमरा चल रहा हो तुम मत बनाओ छूट जाएगी। सजनो आज का ये इंसान माया के पीछे पागल हो रहा है, आप देख रहे हैं चले साहब शांति बन गई। सजनों आज का इंसान केवल पैसे के पीछे भाग रहा है, कहता है ये घर बार मेरा है, ये जमीन जायदाद मेरी है, लेकिन भैया जी इंसान को ये नहीं पता है मूर्ख इंसान ये तन भी तेरा नहीं है। लेकिन सुनिएगा इंसान कभी कुछ चेतावनी दे रहा है, भैया गौरव कैसे और मत कर माया ते प्रेम, इंसान इतना प्यार मत कर इस दौलत से, एक जयकारो लगा दो, पैसा की ना कहूंगी मैं तमते बिल्कुल भी, पैसा चाहे तम दीजो चाहे मत दीजो, पर एक जयकारो जरूर दोनों हाथ खोल के प्यार दे, बोलिए कि राज महाराज की और मत कर माया ते प्रेम के बंधे, तू फिर पीछे पछताएगा तेरे हाथ कछु नहीं आएगा। सुनिएगा कहा क्या भैया जी लिखा बताया, हो तेरा दो दिन का ये मेला है, सुन रहे हो चाचा जी, ए कछु मुस्कुराहट लिया है करो भलो है जाएगा, ऐसे मत बैठो भैया क्या हो तेरा दो दिन का ये मेला है। और कमेटी वाले अब कौन सो शब्द आ रो तुमने बोल लो पीछे को, अगर तुम सुन रहे तो 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी पप्पू जी धरसोनी के निवासी देते बार बार धन्यवाद। लेकिन कहा हो तेरा दो दिन का ये मेला है हंस अकेला है, क्या बताया उड़ जाए को हंस अकेला है। और भैया गौरव क्या लिखा होते ने बहुत करी है सर,
कैसे लिखा होते न बहुत करी है सारी की फल कर मन के तू ही पाएगा तू दर दर ठोकर खाएगा तू दर दर ठोकर खाएगा। हाँ साहब देखिए कल हमने प्रसंग उठाया था एक नकुल विवाह ना तो हमको कमेटी ने ये इशारा दिया कि बेटा ये भूल चुका है। इसमें हमारी भी गलती नहीं क्योंकि हम दूसरी दिन आए थे यहाँ पर उसी प्रसंग को हमारे सुदामा भाई पूरा करके गए बड़ी अच्छी बात। लेकिन अब हम चल रहे एक नए प्रसंग की तरफ और प्रसंग भी सजनों एक समय एक दिन कौन राजा हरिश्चंद राजा हरिश्चंद शिकार खेलने के लिए गया। आहा विद्वान श्रोताओं जैसे ही राजा हरिश्चंद शिकार खेलने के लिए जाता है जिस बनी में राजा हरिश्चंद शिकार खेलने के लिए जाता है उसी बनी में भोले बाबा और पार्वती घूमते घूमते जा रहे हैं। लेकिन श्रोताओं भोले बाबा ने जब राजा हरिश्चंद को देखा तो पार्वती से कहा कि उमा जी अरे उमा जी मैंने राजा बहुत देखे लेकिन राजा हरिश्चंद जैसा राजा मैंने आज तक नहीं देखा। जब उमा जी ने भोले बाबा की बातों को सुना तो कहा कि स्वामी आप इस राजा हरिश्चंद की इतनी बड़ाई कर रहे हो इतनी प्रशंसा कर रहे हो तो मैं इसकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। भोले बाबा ने जवाब दिया बताया शंभू कहे तू सुन ले गौरा कथा की तरफ गौर करना मेरा बार बार निवेदन है आपसे चाचा जी धर्म ईमान पीछे उठाइयो कथा सुनो भैया बताया शंभू कहे तू सुन ले गौरा पूरी कर ले इच्छा है और जैसे चाहे तू हरिश्चंद की ले ले आज इच्छा है। उमा कहे ये सफल हो तो मैं वरदान दऊं सुन अर्जी और नहीं तो मैं श्राप दऊंगी मेरी मर्जी। पार्वती ने कह दिया अगर ये राजा हरिश्चंद मेरी परीक्षा में सफल हो गया तो मैं इसके लिए वरदान दे दूंगी अगर ये सफल नहीं हुआ तो मैं इसके लिए श्राप दे दूंगी। श्रोताओ आज किस प्रकार से और कौन माँ पार्वती राजा हरिश्चंद की परीक्षा ले रही है। मैंने आपसे कल भी बोला था आज भी बोलूंगी मेरी जिकड़ी के अंदर ना कोई लाग ना कोई लपेट ना कोई फटकेबाजी मिलेगी शुद्ध जिकड़ी शुद्ध कथा। अब सुनिएगा माँ पार्वती कैसे राजा हरिश्चंद की परीक्षा ले रही है भैया गौरव क्या बताया और धर चंडाल का भेष है। पार्वती ने एक चंडाल का भेष धारण किया केवल परीक्षा लेने के लिए भैया धर चंडाल का भेष बिखर रहे और केस रूप अति और बहुड़ा हेर सोन कुसोनी भैया हेर सोन कुसोनी और जब ही है जब जब देख लिया को
भैया जी हो भाई दीन और अति हीन का लकड़ी या पार्वती ने उस चंडाल के भेष में एक लकड़ियों का बोझा तैयार कर लिया। लेकिन अब सुनिएगा होता क्या है। और इसी बीच ये क्या रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी ईश्वर सिंह जी धरसोनी के निवासी देते हैं। 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी जगत सिंह उर्फ जगता धरसोनी के निवासी देते हैं। बार बार धन्यवाद। लेकिन भैया जी होता क्या है बताया क्या हो भाई दीन और अति हीन का लकड़ी चंडालन के भेष में लकड़ियों का बोझा तैयार किया। मन में सोच रही है भैया जी हाथ पाम या के सबरे कापे हाथ पाम या के सबरे कापे है गई बहुत उमरिया है और भारी भरकम बोझ बांध के भर लई आज गबरिया है। पहले ना कोई पढ़ के देखे पहले ना कोई पढ़ के देखे जो बिगना को लिखो और बाबा याने राजा आमत देखो। जब जैसे माँ पार्वती ने राजा हरिश्चंद्र को आते हुए देखा अब सुनिएगा कैसे परीक्षा ले रही है उस चंडाल के भेष में। भैया जी कैसे सुनिएगा जिगड़ी का चौक कैसे भैया बोल रहा कहा ए और ले बाबा या की एक ओ ओ है। क्या कर रही है माँ पार्वती ध्यान देना कथा की तरफ। मेरा आपसे बार बार निवेदन कर रही हूँ मैं भैया जी और ले भैया या की एक बाबा घंटी बजेगी घड़ी लग रही है भैया गानो गा दूं। अच्छा एक चौक बोल के जब गानो गा दूं ठीक है सर आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। तमियो किंगे लाली अब तो तम कूचिए लेके हमारे मकान ने पोतो तो पोतेंगे साहब। पर सुनो तुम भैया जी गाना बजाना कोई बाजीगर का खेल नहीं है बाबा साहब ये नारद कला है सुनिएगा क्या ए और ले भैया या की एक और लकम चले ना और बाबा या पे दिल भर बोझ हले ना भैया या पे दिल भर लेकिन सुनिएगा बताया क्या अरे दिल भर बोझ हले ना बाबा दिल भर बोझ हले ना। और पप्पू चाचा जी सुनियो क्या अरे
सुनिए छोटा सा गाना। और हमारी बहन जी ने बहुत अच्छी बात बोली लक्ष्मी जी ने कि समय समय पर होते बैर व्यवहार प्रीत, समय समय पर गाइए समय समय के गीत। लेकिन आज आप समय को देख रहे हो, हमारे भारत देश के करीब 44 जवान मारे गए और आपको यह बात भी विदित है कि हमारे भारत देश ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। लेकिन सुनिएगा, सुनने लायक बात, आज की इस हालत को देखते हुए एकदम न्यू लैंड चीज मिलेगी, गवी गवाई ना मिलेगी। भैया गौरव कैसे हैं? कहा और भारत के वीर धोखे से मारे, हमारे भारत देश के वीरों को उन पाकिस्तानियों ने धोखे से मारा। लेकिन भैया गौरव, हमारे भारत देश ने, हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन हमारे देश ने किया क्या? चाचा जी सुन लियो, कमेटी वाले सुनो साहब, बहुत अच्छो गानो है तुम्हारे लायक। कहा और भारत के वीर धोखे से मारे और वो देखे गए कुर्बानी। अगर बात अच्छी लगे ना, पैसा मत दीजो, तालियों को सम्मान दीजो सुनने के बाद। भैया अगर दिल को छुए बात, भारत के वीर धोखे से मारे और वो देखे गए कुर्बानी। और भैया गौरव, और भारत नाम बदला ले लियो हम हैं हिंदुस्तानी, भाई सच्चे हिंदुस्तानी। भारत नाम बदला ले लियो हम हैं हिंदुस्तानी, भाई सच्चे हिंदुस्तानी। उसने बड़ी बड़ी हरकतें की, लेकिन हमारे भारत देश के आगे एक पेच नहीं खाई। भैया गौरव क्या बताया? इमरान खान तेने पाकिस्तान के हो चारों ओर लगा लिए ताले। क्या भैया जी? ए इमरान खान तेने पाकिस्तान के वो चारों ओर लगा लिए ताले। और भैया जी कौन सी बात? अरे 350 आतंकी तेरे घर में घुस के। क्या भैया? और इसी बीच ये कैम रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी देते, बार बार धन्यवाद। ये कैम रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय दीप्ति चाचा जी देते, बार बार धन्यवाद। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी कुमार जी देते, बार बार धन्यवाद। लेकिन कहा क्या? इमरान खान तेने पाकिस्तान के वो चारों ओर लगा लिए ताले। और भैया जी क्या? अरे 350 आतंकी तेरे घर में घुस के मारे। अरे 350 आतंकी तेरे घर में भीतर मारे। इधर आ जाओ भैया। लेकिन सुनिएगा कौन सी बात, जब 350 आतंकियों को मारा तो पाकिस्तान की हालत क्या थी भैया जी? अरे 350 आतंकी तेरे घर में भीतर मारे। और अरे भया सवेरा पता पड़े। और ये 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय चाचा जी देते, बार बार धन्यवाद। कहा क्या? अरे भया सवेरा पता पड़े हो तो याद आ
अरे हिंदुस्तान से पैर बढ़ाए के भैया, ए पाकिस्तान सुनो, अरे हिंदुस्तान से पैर बढ़ाए के हो तेन नीम कलह की खोदी भैया जी, अरे हिंदुस्तान से पैर बढ़ाए के तेन नीम कलह की खोदी। और बात अच्छी लगे प्यार से सुनिएगा, क्या हो तेरी दाढ़ी पकड़ उखारे गो भारत को नरेंद्र, क्या भैया जी, हो तेरी दाढ़ी पकड़ उखारे गो भारत को नरेंद्र मोदी। और भैया गौरव कौन सी बात, 100 रुपए का पुरस्कार ब्रजलाल जी ठेकेदार देते, बार बार धन्यवाद। कहा कैसे, हो तेरी दाढ़ी पकड़ उखारे गो भारत को नरेंद्र मोदी, लेकिन अरे तीन नदी तेरी बंद कर दई इमरान खान, तेरी तीन नदियों को तो बंद कर दिया, लेकिन सुन क्या भैया जी बताया कैसे, लहरावे मेरो भारत माँ को भैया।